नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। अब तक दो आतंकियों के मारे जाने की खबर। ईटीआई बिल्डिंग में छिपे हैं आतंकी। लखनऊ में रामलीला के मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। पाकिस्तान को ललकारा, कहा आतंक को पनाह देने वालों को नहीं बख्शेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बीजेपी को धमकी। दशहरा रैली में कहा आने वाले निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन तोड़ के दिखाए, फिर शिवसेना दिखाएगी सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। पीएम मोदी ने कभी नहीं ली छुट्टी, 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं प्रधानमंत्री। आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने दी जानकारी। आज अमेठी पहुंचेगी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संदेश यात्रा। किसानों से मुलाकात का मिशन। 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच 5 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन बिताएंगे राहुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमला। शिया दरगाह में आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 14 लोगों की मौत, 25 घायल। और कबड्डी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में भारत बांग्लादेश को 57-20 से हराया। ग्रुप ए में भारत की यह दूसरी जीत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।